जावा रोड मैप इसके अंदर सबसे पहले आपको जावा के अंदर क्या समझना होगा लर्न करना होगा फंडामेंटल जैसे बेसिक सिंटेक्स हो गया डेटा वेरेबल्स हो गए उसके बाद में आपको क्या समझना डेटा स्ट्रक्चर ओप्स कॉन्सेप्ट पैकेजेस वर्किंग विद फाइल्स ये सब आना चाहिए लूप्स हो गए एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गए फिर उसके बाद में आप थोड़ा और अंदर समझेंगे इसके अंदर क्या होगा मेमोरी मैनेजमेंट कलेक्शन फ्रेमवर्क यूलाइजेशन नेटवर्किंग यह आना चाहिए है ना और जेनरेक्स वगैरह हो गया JVM के बारे में बताना होना चाहिए गारबेज कलेक्शन है ना ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए उसके बाद में बिल्डिंग टूल्स कुछ आपको आने चाहिए और उसके बाद में आपको वेब फ्रेमवर्क्स आने चाहिए जैसे स्प्रिंग स्प्रिंग बूट ओके और थोड़ा सा फिर अपन आगे चलते हैं तो उसके अंदर अपन को आना चाहिए ओ आर एम जिसके अंदर आता है जे पी ए स्ट्रिंग डेटा जे पी ए वगैरह वगैरह इसके बाद में आपको लॉगिंग फ्रेमवर्क्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए है ना उसके अंदर आ, टिनी लॉग ये सारे आना चाहिए जे की नॉलेज होना चाहिए जे डी पता होने चाहिए टेस्टिंग फोर एप्लीकेशन टेस्टिंग एप्लीकेशन की करेंगे उसके लिए आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ठीक है लास्ट में आपको पता होना चाहिए यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग ओके okay, फ्रेंड्स तो इस टाइप से आपका पूरा रोड मैप हो गया किसका जावा का जावा आपको तब कंप्लीट होगी जब आप इस पूरे रोड मैप को पढ़ लोगे ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब करो